पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम राजघाट रोड टिली वार्ड सागर मध्य प्रदेश। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार 24 घंटे में ही हिजाब पर बैन लगाने के बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाल लिया गया। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। परमार के यूटर्न से पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश सरकार के पास हिजाब पर बैन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, प्रदेश में इस पर कोई विवाद नहीं है। सूत्रों की माने तो इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद परमार को नया बयान जारी करना पड़ा। इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था वो स्कूलों में समानता, अनुशासन और पहचान के संदर्भ में था। कुछ लोगों ने उनकी कही बात का गलत अर्थ निकाल कर गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे, न ही इस पर कोई काम हो रहा है। स्कूलों में जो व्यवस्था चल रही है वही चलती रहेगी। कल मेरे द्वारा स्कूलों में गणवेश को लेकर के बयान जारी किया गया था। मेरा बयान स्कूलों में समानता, अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ में था और इसलिए यूनिफॉर्म कोड लागू करने का विषय मैंने बोला था, परंतु कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने विषय रखा है। मैं उसका खंडन करता हूं। फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे, ना उस पर हमारा कोई काम हो रहा है। परंपरागत रूप से जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी व्यवस्था ही स्कूलों में गणवेश को लेकर रहेगी। पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम। लड़के एवं लड़कियों के लिए पूरी सुरक्षा के साथ 6000 स्क्वायर फीट एरिया में सर्विस सुविधा युक्त सनशाइन जिम, लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सीसीटीवी कैमरा के साथ सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सनशाइन जिम, राजघाट रोड तिली वार्ड सागर मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 6265745495, 7000483881, 8817368143।